फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम बात करेंगे चाइना के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का जो मलबा है वो पृथ्वी पर गिर चुका है और वो कहां पर गिरा है इसके बारे में हम यहां पर विस्तार से जानेंगे। दुनिया की नजर इस पर बनी हुई थी क्योंकि यह मलबा एक सप्ताह से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा था और कहीं ना कहीं सबको डर सता रहा था कि किस देश पर गिरेगा। तो यह फाइनली गिर चुका है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है और इसका जो है पेलोड 22 टन था। और बता दूं कि चाइना जो है स्पेस में अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसके लिए उन्होंने एक कोर मॉड्यूल लॉन्च किया था जिसका नाम था तिहाने। और उसका टोटल देखा जाए तो पेलोड यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 टन था। और उसके बाद टोटल लेंथ जो था रॉकेट का 53.7 मीटर था और यह कोर जो था जो कि पुनः वापस इसको पृथ्वी पर लौटना था वो इस जगह से था, यानी 30 मीटर का था, यहाँ से यहाँ तक इसको वापस लौटना था। और ये बूस्टर जो होता है यह शुरुआती दौर के लिए यूज होता है, जब रॉकेट चेकअप करता है तो उस समय के लिए या पुशअप करने के लिए होता है, पुश करने के लिए होता है रॉकेट को, तो ये खुल के एयर में ही गिर जाता है। लेकिन यह जो बीच वाला पोर्शन है जो 30 मीटर का सेक्शन होता है ड्यू टू री इंटर अर्थ एटमोस्फेयर, ये जो होता है ये लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाता है। और यह जो है ऑर्बिट में यही जो है चाइना का अनकंट्रोल हो गया था, री इंट्री एटमोस्फेयर ये वाला पोर्शन 30 मीटर का। तो जानते हैं ये कहां पर अभी गिरा इंडियन ओशन में, इसके बारे में डिटेल से, तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। इस मैप में आपको यहां पर दिख रहा है सदर्न इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव का पोर्शन है। और मैं बता दूं कि ये सारा रीजन जो है ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, और ये वाला पोर्शन जो है इधर अरबियन ओशन है, अरब सागर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड लैंडिंग पॉइंट है मलबा यहीं पर गिरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मलबा इस रीजन में गिरा है। और ये कहाँ पर है तो मालदीव के वेस्ट में है और श्रीलंका से काफी वेस्ट है और इंडिया से साउथ और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर गिरा हुआ है। तो साउथ वेस्ट में है और उसके बाद मालदीव से भी वेस्ट में गिरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी हताहत होने का खबर नहीं है। और ये रीजन जो है इंडियन ओशन के रीजन में आता है और देखा जाए तो 2 point something degree पर ये गिरा है जो कि मालदीव के पास है, यानी इक्वेटर से आप 2 point something degree जाओगे तो आपको यहाँ पर ये मालदीव कंट्री मिलेगा। इसके पश्चिम में यहाँ पर रॉकेट जो है चाइना का लॉन्ग फाइव मार्च बी का जो है यहाँ पर मलबा गिरा और अभी तक किसी तरह का हताहत होने का खबर नहीं है। और चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो यहाँ देखा जाए तो चाइना रॉकेट डिब्रीज डिसइंटीग्रेट्स ओवर इंडियन ओशन, चाइना का जो डिब्री मीन्स होता है मलबा जो है रॉकेट का वो डिसइंटीग्रेट होता है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, कहाँ पे, इंडियन ओशन के पास। चाइनीज मीडिया ने बोला है द बल्क ऑफ द रॉकेट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द री इंट्री, जब रॉकेट री इंट्री करता है एटमोस्फेयर में तो मेजर पार्ट वहीं पर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट पार्ट्स लैंडेड एट लोकेशन 72.4 degree ईस्ट है, यानी कि लॉन्गिट्यूड जो है इतना और 2.65 लेटिट्यूड है, यानी नॉर्थ इक्वेटर से 2.65 डिग्री नॉर्थ में गिरा है। और अगर देखा है तो इसका लेटिट्यूड था 72.47 ईस्ट में, चाइनीज मीडिया के द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया है। और पॉइंट जो है यह बताया वेस्ट ऑफ मालदीव, जैसा कि हमने आपको मैप में दिखाया। चाइनीज स्टेट मीडिया से पार्ट्स ऑफ द रॉकेट री इंटर एट द एटमोस्फेयर और उसके बाद 10.24 बीजिंग टाइम के अनुसार ऑन संडे इतना बजे उसका री इंटर हुआ था। और उसके बाद अगर तो यूएस स्पेस कमांड सेड इन स्टेटमेंट दैट इट कुड कंफर्म द चाइनीज लॉन्ग मार्च 5B री इंटर ओवर द अरबियन पेनिनसुला, तो उन्होंने बोला था कि अरबियन पेनिनसुला के पास यह जो है यह गिरेगा। इट वॉज अननोन इफ द डिब्री इम्पैक्ट लैंड या वाटर, और उसने यह संदेह पैदा किया था कि यह लैंड में गिरेगा या वाटर में, यह पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से गिरा है मालदीव के पास, मैंने यह आपको कंफर्म कर दिया।
यहाँ पर देखते हैं द मेन सेगमेंट फ्रॉम द लॉन्ग मार्च 5B व्हीकल वाज यूज्ड टू लॉन्च द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ चाइनास न्यू स्पेस स्टेशन लास्ट मंथ। पिछले महीने यानी 28 अप्रैल को इन्होंने लॉन्च किया था, इन्होंने जो स्पेस मॉड्यूल था जो चाइना स्पेस में अंतरिक्ष में अपना एक स्टेशन बना रहा है उसका, और यह रॉकेट जो है वहां पर से फिर अनकंट्रोल हो गया था जो कि अभी इसका मलबा लैंड किया मालदीव के पास। देखा जाए तो यहाँ पर कुछ फैक्ट है, द रॉकेट का अगर टोटल वजन देखा जाए तो मलबे का जो था 18 टन था। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इंडिकेट्स टू हैव एन अनडायरेक्टेड डाइव इनटू एटमॉस्फेयर। और यह 18 टन का कोई भी मलबे का टुकड़ा जो है एटमॉस्फेयर में घूम रहा हो या दशकों से नहीं देखा गया था। चाइनीज रॉकेट सेगमेंट प्लंग्स बैक टू द अर्थ क्रैशेस नियर मालदीव, ये आपने देख ही लिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, छोटा सा था और इंफॉर्मेटिव था। हमारे वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।